हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं लिक्विड लिपस्टिक की। मैं इस वीडियो में रिव्यू कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की लिक्विड कैटसूट मैट लिक्विड लिपस्टिक। यस, हम बात कर रहे हैं मेगा लास्ट लिक्विड कैटसूट मैट लिपस्टिक की। वेल, ये लिपस्टिक है आपकी 6 ग्राम ऑफ लिपस्टिक। अकॉर्डिंग टू मी, ये लिपस्टिक मैंने अभी नहीं ली है, मैंने बहुत पहले से ली है, बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ और ये मेरे हिसाब से बेस्ट लिक्विड लिपस्टिक हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनका जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। ये एक्चुअल इनका जो प्राइस है वो है 499। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें तो ये जो लिक्विड लिपस्टिक है ये 6 ग्राम है और मेरे पास यहाँ पे 3 शेड्स हैं। सबसे पहले मेरे पास है ये मिसी एंड फियर्स, ये एकदम रेड शेड है। दूसरा मेरे पास है मोस्ट फेमस गिव मी मोका शेड, ये बहुत ही अच्छा शेड है। आप जो देख रहे हैं मैंने लिप्स पे लगाया है, मैंने यही शेड लगाया है। ये एक ब्राउनिश रेडिश शेड है, काइंड ऑफ मॉव शेड है, पर ये बहुत ही अच्छा शेड है। ये किसी भी कॉम्प्लेक्शन पे बहुत ही अच्छे से निकल के आता है। और जो लास्ट शेड है मेरे पास वो है रेबल रोज। वेल, ये शेड थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि रेबल रोज भी बहुत ज़्यादा फेमस शेड है। आप अगर कोई और वीडियो देखेंगे, कहीं भी देखेंगे, तो बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको ये दो शेड हमेशा प्रेफर करेंगे। तो ये जो लिपस्टिक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक ग्लास की बॉटल है, तो थोड़ा सा ट्रैवल फ्रेंडली, इट्स नॉट टोटल ग्लास, प्लस ये थोड़ा प्लास्टिक ग्लास टाइप का है, पर मैं फिर भी इसको फ्रेजाइल ही कहूँगी क्योंकि आई डोंट नो इसकी बॉडी ब्रेक हो सकती कि नहीं हो सकती है अगर आप ट्रैवल कर रहे हो कि नहीं। प्लस इसके सारे शेड्स इसके नीचे लिखे होते हैं और प्लस पूरी बॉटल ट्रांसपेरेंट, तो आपको शेड्स दिखेंगे, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर शेड्स क्लोज हो तो फिर आप यहाँ पे बस नीचे के सारे शेड्स दिए हैं, ऊपर शेड नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ है इसका जो एप्लीकेटर, इसका एप्लीकेटर एक एंगुलर टाइप का है, जैसे कि यूजली आपके कंटूर और हाइलाइटिंग ब्रश होते हैं वैसे। इसका जो एप्लीकेटर है उसका जो स्पंज होता है वो बहुत अच्छा है। इसमें कभी भी ये प्रोडक्ट ज़रूरत से ज़्यादा नहीं रहता। आप दूसरी लिपस्टिक देखेंगे तो आप निकालते हैं तो यूजली प्रोडक्ट बहा करता है, उससे आप लगाते हो तो बहुत ज़्यादा ही प्रोडक्ट आपके लिप्स पे आ जाता है। ये कभी ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेता, ये बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में और परफेक्ट अमाउंट में प्रोडक्ट लेता है, तो आप आसानी से इसे अच्छे से कर सकते हैं, ये कभी भी मैसी नहीं होता। सो गाइस, जो सेकंड पॉइंट है इसका लिपस्टिक का, वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा हाईली पिगमेंटेड है। ये मैट शेड है, अल्ट्रा मैट शेड है, तो ये बहुत अच्छा पिगमेंट आपको देता है, ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना पड़ता। ये लिपस्टिक बिल्कुल भी ओवर ड्राइंग नहीं है। अगर आपके लिप्स ज़्यादा ड्राई होते हैं तो ऑब्वियसली आप लिप बाम लगा के यूज़ करें। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ कि जो कि बेस्ट चीज़ है इस लिपस्टिक की, और यूजली हम लिपस्टिक जिस वजह से लेते हैं वो है कि उनकी जो लॉन्गविटी होती है कि वो कई टाइम देर तक टिके रहें और इवन जो हमारी मील्स होती है उनको सर्वाइव कर जाएं, उस चीज़ में ये नंबर वन है। मेरी खुद की प्रॉब्लम है कि इवन जब मैं कोई भी डिनर ले रही हूँ, कहीं बाहर ले रही हूँ, कहीं ओकेजन में हूँ और लिपस्टिक होता है कि आप कुछ भी खाते पीते हो वो हट जाती है, तो बहुत ही ख़राब होता है। अब हर जगह पर जाके आपको मौका नहीं मिलता कि आप उसको लिपस्टिक को लगा सकें। सो ऑब्वियसली, और यूजली दिस इज़ अ वर्स्ट थिंग कि आप जो भी टाइम है वो उस टाइम के बजाय आपका सारा ध्यान अपनी लिपस्टिक पे रहता है। तो ये बेस्ट लिपस्टिक है, मैं जब भी जाती हूँ आई ट्राई कि मैं यही लिपस्टिक या वेट एंड वाइल्ड की लिपस्टिक अप्लाई करूँ, क्योंकि ये सारे मील्स आराम से सर्वाइव कर जाती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर ये वॉश आउट भी होती तो आपको पता भी नहीं चले, मतलब आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ आपकी लिपस्टिक हटी है, पर ये अच्छा खासा स्टेन देती है, बिल्कुल भी एम्बैरेसिंग एंड टोटली वॉश आउट नहीं होती है।
एंड लास्ट में मैं ऐड करना चाहूंगी अबाउट दिस लिपस्टिक कि ये अल्ट्रा मैट है. दिस इज टोटली मैट, देयर इज नो शाइन, इट्स वेरी कंफर्टेबल, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड है, बिल्कुल भी फील नहीं होता कि आपके लिप्स पे कुछ है. और इसका बहुत ज़्यादा मैस आउट भी नहीं होती है, इट्स लाइक आप 3 to 1 मिनट दीजिए और ये पूरी तरह ड्राई हो जाती है और बिल्कुल भी फील नहीं होता कि आपने लिप्स पे कुछ लगाया है, सीरियसली. एंड द प्रॉब्लम विच आई हैव, जो मैंने आपसे कहा था, जो मुझे इस रेबल रोज के बारे में है, वो ये है कि ये शेड बहुत अच्छा है, ये मेरे स्किन टोन को पूरी तरह वॉश आउट कर देता, पूरी तरह वॉश आउट, जो कि इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ क्योंकि मेरी फेवरेट लिपस्टिक है. और इस वजह से एक लिपस्टिक हमेशा मैं काम नहीं करती हूँ, इसके लिए मुझे हमेशा कुछ ना कुछ और लिपस्टिक की हेल्प से इसे थोड़ा सा कलर्स का अपने स्किन टोन पे लाना पड़ता है. ये पूरी तरह ही वॉश आउट कर देता है, तो ये प्रॉब्लम है. मैं आपको उसके दिखा देती हूँ कि इसका पिगमेंटेशन कैसा है. सो गाइस, मैं एट लास्ट मेन चीज जो बताना भूल गई वो है, जो आपकी प्यारे लिपस्टिक हैं ये आपके ए शेड्स हैं, 8 शेड में आपको मिलते हैं. आप अपना शेड आराम से चुन सकते हैं, ये अवेलेबल है नाइका में, पर्पल में, आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट, हर जगह आपको ये मिलेगा. एंड दीज आर द बेस्ट लिपस्टिक, और इन लिपस्टिक से जो बेस्ट शेड है वो मैंने आपको यहाँ दिखा दिए. तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.